नमस्कार दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे थे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या योजना की, जिसको शॉर्ट में मनरेगा भी हम कह देते हैं। तो ये स्कीम, जैसे आपको बताया था कि ये एक एटीएम स्कीम है। एटीएम है जिसमें आपने एनुअल प्लान सबमिट करना है कि हमने क्या उस साल में करना है। तो वो टारगेट है वो स्टेट फिक्स करेगा और आगे इसको प्रोसेस करेंगे। एम जो है, जो इसका मॉनेटरी प्रावधान है, प्रोविजन है कि सरकार जो है, जो आप एनुअल एक्शन प्लान बना के देंगे तो उसके हिसाब से फंड जो है अगले साल रिलीज करेगी। तो इसका प्रोसेस आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे कैसे करना है इसका। तो अभी एक जो स्पेशल जो है ग्राम सभा का इजलास करना है, 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक जो है वो गांव को अपना मीटिंग करके, ग्राम सभा का आयोजन करके ये सबमिट करना है। तो पूरे डिटेल आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आपका टारगेट है 30 नवंबर। इससे पहले पहले आपको अपने ब्लॉक में, अपने गांव का पूरा जो एटीएम के लिए ये है, जो एनुअल एक्शन प्लान है, ये सबमिट करना है। आप अपने जीआरएस, जो ग्राम रोजगार सहायक होता है, तो कुछ एक गांव के क्लस्टर में एक अधिकारी होता है तो जो गांव लेवल पे काम करता है, तो उनकी आप हेल्प ले सकते हैं कि कैसे ये मीटिंग कॉल करनी है। तो फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि ग्राम सभा गांव के सभी जो 18 साल से ऊपर जो वयस्क हैं और जो वोटर आप कह लीजिए हैं, उनको मिला के सब ग्राम सभा बनती होती है। इसकी कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं होती, इसका कोई प्रधान नहीं होता, सरपंच ही इसका प्रधान होता है। 20% वोटर भी अगर मीटिंग में आ जाते हैं, वो साइन कर देते हैं, तो ये मता जो है ये पास हो जाता है। तो किसान आंदोलन के दौरान आपने सुना होगा, काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चा भी रही कि जो ग्राम सभा का फैसला है उसको राष्ट्रपति या कोई कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकती है, लेकिन वो फैसले सिर्फ गाँव के विकास के लिए होते हैं जो आपने गाँव में करना है। तो गाँव का विकास गाँव के हाथ में है, गाँव के लोगों के हाथ में है। तो ये आपको मीटिंग जो है वो करनी है। तो उसमें अभी सुविधा जो है, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, हम जानते हैं कि वो मंडीकरण की समस्या को लेके चल रहा है कि भारत में जो है 22-23 फसलों पे एमएसपी निर्धारित किया जाता है, लेकिन दिया सिर्फ 3-4 फसलों पे ही दिया जाता है। तो उसमें भी मेन जो है गेहूं और धान है, ठीक है, और गन्ना है, तो वो भी पूरे देश में नहीं दिया जाता, कुछ राज्यों में तक वो सीमित है। तो मनरेगा के बारे में आम जो किसान जैसे हैं, वो किसान जी कहते हैं ये तो मजदूरों के लिए है, इसमें सिर्फ काम रोजगार मिलता है, 100 दिन की दिहाड़ी मिलती है। तो ये उस टाइम पे करवाया जाता है जब जो खेतों में काम होता है। जबकि मनरेगा के आपको पहले बताया था कि 3 मकसद हैं। एक तो है ढांचा, ढांचा जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। दूसरा है उसमें वातावरण, ठीक है, एनवायरनमेंट, और तीसरा है उसमें कुदरती स्रोत। नेचुरल रिसोर्सेस, इन तीनों को कैसे हमने तैयार करना है, कैसे संभालना है, कैसे इसका विकास करना है गांव में, गांव और गांव के आसपास के एरिया में, और उससे रोजगार पैदा करना है। ऐसा नहीं है कि उसका काम 100 दिन की दिहाड़ी देना, बल्कि उल्टा है कि ये 3 काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट है उसका आपको संरक्षण करना है, नेचुरल जो है रिसोर्सेज है उनको प्रिजर्व करना है, वो पानी है, पेड़ है, मिट्टी है, तो सभी का आपको जो है वो ध्यान रखना है कि कैसे ये सारे का सारा सिस्टम जो है वो बचाया जा सकता है, कि हमारी इकोलॉजी है, जो हमारा पर्यावरण है उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, और साथ में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना जो इसको भी सपोर्ट करता हो और रोजगार करता। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये रोजगार पैदा करेगा। तो इसमें जो है दिहाड़ी जो है वो दिहाड़ी ऐसा नहीं है कि आपको घास काटने के लिए, सफाई के लिए कर दिया है, जैसे नॉर्मली हम आम देखते हैं कि सफाई कर रहे होते हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए।
इसमें अगर हम बात करें तो मोटा मोटा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट है, हम पहले उसकी बात करेंगे। तो जैसे आपको बताया था कि आमतौर पे जो किसान हैं या हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो लेख लिखते हैं, सब बातें करते हैं, हमारे ऑफिसर हैं, साइंटिस्ट हैं, कि मनरेगा की वजह से जो है लेबर खेतों से बाहर हो गई है। तो मनरेगा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम है, उसमें हम मंडीकरण से ही पहले बात करेंगे कि मनरेगा कैसे मंडीकरण के लिए सहयोगी है। तो उसमें एक सुविधा है जिसको ग्रामीण हाट कहा जाता है या विलेज हाट। तो विलेज हाट की सुविधा क्या है कि एक गांव में आपका 10, 12, 15, 20 गांव का एक क्लस्टर इकट्ठा हो, कि कोई ऐसी जगह देख ले जो रोड के कहीं आसपास हो, किसी हाईवे के, किसी लिंक रोड के, किसी मेन रोड के, और वहाँ पे अच्छी जगह हो जो पंचायत की सरकारी जमीन हो। तो वहाँ पे हम करीबन 100 बाई 50 फुट का जगह है, जगह इतनी चाहिए। तो इतनी जगह में आपको करीबन आप 28 दुकानों का वहाँ पे सुविधा है। तो यहाँ पे 28 दुकानें, दुकानें जैसे मंडी में होती हैं कि आपका ऊपर शेड बना हुआ है और एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो 28 के करीब दुकानें हैं। इसको आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, हम मान के चल रहे हैं कि 20, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 20 दुकानें किसानों को दी जा सकती हैं, नौजवानों को दी जा सकती हैं, औरतों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी जाती है, जा सकती है, कि वहां पे आप गांव में ही, जो छोटा कस्बा है आसपास में, जहाँ पे ट्रैफिक आता जाता है, लोग आते जाते हैं, वहां पे ऐसी दुकानें जो है खोल के दी जा सकती हैं। तो ये दुकानें जो है, इसका जितना भी मटेरियल है, जितनी भी लेबर है बनाने के लिए, उससे रोजगार पैदा होगा। पहला जो फर्स्ट रोजगार है, जो दिहाड़ी देनी, तो दिहाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए देनी है। दूसरा रोजगार क्या होगा, जब ये मंडी बन जाएगी तो यहाँ पे किसान अपना सामान बेच सकते हैं। वह किसान नहीं अगर खेतों से जा सकते, तो जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि उसका काम प्रोडक्शन का है, तो नौजवान है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है वहाँ, उसमें औरतें हैं, तो वो जो है वो दुकानें चला सकते हैं कि किसान पैदावार करे, प्रोडक्ट बनाए और वहाँ पे ये सामान बेचा जा सके। और इसके साथ ये दुकानें होती हैं, उसके साथ इसमें एक दफ्तर के लिए मिलता है, दफ्तर के लिए जगह मिलती है 10 फीट बाई 10 फीट। फिर एक उसमें छोटा सा स्टोर रहता है 10 फीट बाई 12 फीट के करीब। पूरा नीचे से फर्श होता है जिसमें टाइल लगती है। और मनरेगा में सुविधा है कि किसी गांव में एक ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो टाइल नीचे फर्श वाले लगती है, चाहे वो गली में लानी हो चाहे इसमें, तो फर्श वाले टाइल जो है वो भी गांव में तैयार की जा सकती है। वो पूरा फर्श होता है, पार्किंग के लिए जगह होती है, टॉयलेट होता है, तो मैनेजमेंट के लिए ऑफिस होता है, आपका छोटा सा स्टोर है जिसमें आपने कुछ क्रेट या कोई और सामान ऐसा रखना हो, तो ये सारी सुविधा, इसकी पूरी फेंसिंग होती है। तो ये सारे का सारा फंड जो है वो 100% मनरेगा से आएगा। हो सकता है कुछ प्रोविजन में चेंज आएगा तो स्टेट का कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि 20 दुकानें यहाँ पे खोली जाती है किसी पंचायत की जमीन पे, ये किया जाता है, तो 1 एकड़, आपको पता ही है कि 1 एकड़ में से 100 बाई 50 फुट कितना ले सकते हो। तो एक दुकान से हम मान लें अगर कि 500 रुपये प्रति माह जो है, हर महीने जो है वो किराया लिया जाए, तो ये 20 गुना 500, ये हो गया 10,000, और एक साल में 1,20,000। तो इतना जो है ये किराया जो है, सिर्फ 500 रुपये एक महीना किराया जो भी वहां पे स्टॉल लगाता है, तो इसको बढ़ाया या कम भी किया जा सकता है जो गांव की सुविधा है। तो 1,20,000 इतने एरिया में ही आ जाता है। तो आप लगा सकते हैं कि 1 एकड़ में पंचायत को ठेका कितना मिलता है, और 1 एकड़ ये, और इतने एरिया में ये एकड़ का कितना हिस्सा होता है, ये किसान मेरे से बढ़िया जानते हैं, तो आप निकाल सकते हो कि कितना जो है इसमें से कमाई की जा सकती है। तो ये गिनती 28 से जैसे 20 की है, तो ये आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी जो ये ग्रामीण हाट है, जो विलेज हाट है, इसकी उदाहरण जो है वो असम और बिहार में कुछ गांव में ये बनी हुई है। पंजाब में भी मानसा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में हमें पता चला है, जोगा या रल्ला गांव है मानसा बरनाला रोड पे। तो ये एक आसान तरीका है। तो आप मान सकते हो कि पंजाब में करीबन 13,000 गांव हैं, तो अगर 20 गांव का भी हम मान के चले कि क्लस्टर में जो होता है, तो 20 के हिसाब से हो गया 20, 6,
650 जो है मंडियां पूरे पंजाब में, अगर 20 गांव का क्लस्टर लेके चले तो 650 मंडियां जो है वो ऐसी शुरू की जा सकती हैं, जिसमें ना तो राज्य सरकार का कोई खर्चा आना है ना किसान का खर्चा आना है। तो उसमें सब्जियां हैं, फल हैं, वो तो जो डेली कंज्यूम वाली चीजें हैं। तो खेती विभिन्नता जो है वो यहाँ से आएगी। एक पंजी एक पैसा भी जिसको बोलते हैं पंजाबी में, जैसे हम बोल देते हैं कि पंजी भी, तो हिंदी में अगर एक टका एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं खर्चना है। ये सारे के सारे पैसे मनरेगा में ऑलरेडी हैं। सिर्फ क्या करना है कि आपको जो अगर 20 गांव के करना है, तो अगर 10 गांव को करना है तो ये 1300 मंडियां बन सकती हैं बिना किसी खर्च के। और साथ में 1.25 लाख जो करीब है वो यहाँ पे कमाई हो सकती है पंचायत को, पंचायत का जो है जिस गांव में बनेगा उसको कमाई हो सकती है। तो जो धान के लिए इतना शोर मचा हुआ है अभी पूरे पंजाब में, अगर बाहर जाके देखें तो पूरा धुंध जैसा माहौल बना हुआ है, तो उसके नीचे से एरिया कम तभी होगा जब किसानों को मंडी मिलेगी। तो मनरेगा का मतलब दिहाड़ी नहीं है। हमारे जो पंजाब की अभी खेती पॉलिसी, खेती नीति, जो एग्रीकल्चर पॉलिसी का ड्राफ्ट किया गया है, उसमें हमारे ऑफिसर वैज्ञानिकों ने क्या लिख दिया है कि वो 100 से 200 बढ़ा के कर दी जाए, लेकिन वो 200 दिन में वो करेंगे क्या? तो ये जो चीज है, ये चीज कहीं नहीं बताई जाती कि आपका जो पैडी का, गेहूं का जो साइकिल है उसको अगर तोड़ना है खास तौर पे पैडी का, तो आपको ये मंडी करने की सुविधा देनी होगी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और ये ऐसा नहीं है कि आप एक बार खत्म कर सकते, आप 5-5 गांव में, 10-10 गांव में, बहुत बड़े गांव हैं उसी गांव में एक मंडी शुरू की जा सकती है। तो ये पहले सिस्टम सब चलते थे कि एक जो कस्बा जो बड़ा गांव होता था वहां पे ऐसा सिस्टम होता था। अभी भी आप देख सकते हो ये बड़े गांव होते हैं वहां पे तो पूरी की पूरी रोड पे मार्केट बनी होती है, वहां पे 40-50-60 तक 20-25-30 दुकानें बनी होती हैं। तो यही आपको किसानों के लिए, नौजवानों के लिए सिस्टम करना है कि जो खेत में पैदा होता है, जो गांव में प्रोड्यूस पैदा होती है, उसको कैसे बेचा जा सकता है। तो 30 नवंबर का आपका टारगेट है, तो ये आपको जो है वो लिखना है कि हम यहाँ पे मंडी शुरू करना चाहते हैं, कुछ गांव मिलके कर सकते हैं, या एक गांव लिख सकता है तो उसमें सुविधा दी जा सकती है। तो ये आपका जो पार्लियामेंट है वो दिल्ली नहीं है, गांव की पार्लियामेंट, गांव की ग्राम सभा है। सभी 18 साल से ऊपर जो नागरिक हैं वो उसके मेंबर होते हैं। आपको 30 नवंबर तक मता पास करके वहां पे देना है ग्राम सभा का इजलास बुला के। तो ये मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है, और इसके साथ क्या क्या सपोर्टिव होता है वन बाई वन आपको वो भी बताएंगे।